उत्तराखंड के उसके पंचायत में मौजूद हैं और हमारे साथ एक युवा प्रत्याशी भी हैं जिनसे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर इस उम्र में इन्हें क्या जरूरत पड़ी समाज सेवा में आने की, क्या सोच कर इन्होंने चुनावी राजनीति में अपना कदम रखा है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, कैसी रही पुरानी मुखिया की कार्यकाल, किन किन मुद्दों पर बात होगी, इन सभी चीज़ों को आप देखते रहें हमारे सी टी वी पर, आपको इन सभी बातों का पता चलेगा। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहते हैं अपने चैनल पर मोहम्मद अफगान भाई की, एक युवा हैं साथ साथ ये मुखिया प्रत्याशी भी हैं। अपने पंचायत में इन्होंने काफ़ी समय से समाज सेवा का किया और अब चाहते हैं कि मुखिया पद पर इनको वोट देकर विजयी बनाया जाए। सबसे पहले स्वागत है अफगान भाई हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि आज इस उम्र में हमने इस पंचायत में समाज सेवी के तौर पर उतरे थे, लेकिन आज मुझे मजबूरी हुआ तो मुझे मुखिया की कैंडिडेट के तौर पे मुझे पंचायत में उतरना पड़ा। हमारे जो पंचायत में इस 5 साल के कार्यकाल में इतना भ्रष्टाचारी हुआ कि रोड नाला गली कुछ हर चीज़ में समझ लीजिए पैसा खाया गया है, घुसखोरी हुआ है, जो कि इंदिरा आवास के नाम पर मेरे पंचायत में 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपया पैसा लूटा गया, इतना तक कि पब्लिक को धमकाया गया। उसके बाद विकास के मुद्दे पर जो है एक भी 7 निश्चय का काम मेरे पंचायत में ही हुआ है, टोटल मनरेगा का काम है उसमें भी जो है पैसा खाया गया है, यहाँ से लेकर प्रखंड तक पैसा खाया गया है। उसके बाद जो कि किसी का मृत्यु हो जाता था उसमें भी उनको पैसा नहीं मिलता था, वो भी पैसा हजम कर दिया करते थे। उनके बाद बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ आती थी जो कि वो उस चीज़ में काम नहीं आते थे, तो ऐसा मुखिया बनने से हमें क्या फ़ायदा। आज जनता किसी को मुखिया बनाते हैं ताकि वो समाज का काम करने के लिए कि समाज में काम करे और समाज में एकता बन के रहे, हिंदू मुस्लिम सबको एक रास्ते पे लेके चले और सबको एक भाईचारा बना करके लेके चले ताकि जिससे समाज हमारा चले। आज समाज के अंदर एक ऐसा गंदा राजनीति खेल रहा है लोग कि आपस में दो भाई को लड़वा देता है, फिर दोनों से पैसा भी खा लेते हैं, केस मुकदमा भी करवा देते हैं, फिर वही आदमी जो है मेल मिलाप करवा देते हैं। तो हम इसी कारण से जो आज चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं कि समाज को एक अच्छा रास्ते पे ले जाना चाहते हैं और समाज का विकास हो और ये भ्रष्टाचारी जो हो रहा है इस भ्रष्टाचारी को ख़त्म करने के लिए आज चुनावी मैदान में हम उतरे हुए हैं। क्या लगता है आपको इस उम्र में आप पर जनता यकीन करेगी, पर आप चूँकि पिछले कुछ समय से आप समाज में जुड़े हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप पर भरोसा बना होगा, पर जो लोग पिछले 25-50 साल से इस राजनीति में अपना वर्चस्व जमाए हुए हैं, ग्रामीण राजनीति को अपना अपने घर का खिलौना समझते हैं, सोचते हैं कि किसी भी प्रकार से काम होगा, जनता वोट हम ही को देगी, कोई और प्रत्याशी नहीं है, कोई और वैसा चेहरा नहीं है। हमेशा जनता को युवा प्रत्याशी को ही मौका देना चाहिए, वैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो समाज की समस्या को समझते हैं, समाज में विकास देखना चाहते हैं, हमेशा ऐसे प्रत्याशियों को जनता को चुनना चाहिए। क्या लगता है आपको, पिछले कुछ समय से आप समाज में बने हुए हैं, ये बात सच है, इन बातों का असर भी आपको होगा, इन बातों का मुनाफा भी देखने मिलेगा, पर जो प्रत्याशी पिछले 20-25 साल से समाज में हैं, कहीं ना कहीं उनकी कुछ लोगों की मदद उन्होंने भी की होगी, क्या लगता है आपको जनता ऐसे परिस्थिति में आप पर कैसे भरोसा करेगी। भरोसा क्या करेगी, जनता खुद इस चीज़ पर सवाल का जवाब बताएगी। हमने लॉकडाउन अभी लगा था जो कि लॉकडाउन में हमारे पंचायत के लोग महाराष्ट्र के अंदर में फंसे हुए थे, जब उन बेचारों के पास न खाने का सामान, न पैसे का सामान, न आने तक का उनके पास कोई खर्चा था, उन लोगों ने यहाँ के मुख्य लोगों के पास गए, कुछ ऐसे लोग थे जो यहाँ के एक मुख्य जो पंचायत के चलाने वाले लोग थे उनके पास भी गए, उन्होंने एक सरकारी नंबर जो निकला था वो नंबर दे करके उन्होंने बोला आपने इस नंबर पे फ़ोन कीजिए आपको मदद मिलेगी। वो लोग 10 दिन तक परेशान रहे, मैंने एक फेसबुक के जरिए पे अपना सरकारी नंबर मैंने डाला था, उस नंबर से हमें कॉन्टेक्ट करके हमसे बताया कि ऐसी ऐसी परेशानी है, हमने उनको 24 घंटे के अंदर में, हमारे पंचायत के 32 लोग थे महाराष्ट्र के अंदर में फंसे हुए, हमने उनको जो है चावल दाल आटा जो भी हुआ हर चीज़ हमने उनको पहुँचवाया, वहाँ पर किसी की भी जरिया हो हमने वहाँ तक उनका मदद करके वहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद हमारे जो कि इस गोराडी प्रखंड के डी पर के श्रीरामपुर डी के भी लोग थे, उस्तु के भी थे, चकदरिया प्रखंड के जगदीशपुर प्रखंड के भी लोग थे जो कि यह दिल्ली सदर बाजार में फंसे हुए थे, हमने वहाँ भी लोगों का मदद किया। उनके बाद यहाँ के लोग पटना थे, दानापुर, गया, इस सब में भी फंसे हुए थे, उस लॉकडाउन उस परिस्थिति में हम खुद गाड़ी का पास बनवा करके उन लोगों को लाने का काम किया। उसके बाद हमने गरीब लोगों का मदद किया जहाँ तक हमसे होता था,
अपने से किसी और दूसरे से भी हम करवाते थे उनका मदद, और जहाँ तक हम एक गरीब लोगों की आवाज़ उठाते थे और गरीब की आवाज़ बनकर हम इस मैदान में उतरे हैं। अगर किसी गरीब के साथ अन्याय होता था, उनको हम न्याय दिलाते थे, चाहे कोर्ट कचहरी का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल में अगर कोई गरीब परेशान रहता था, अगर हॉस्पिटल में उसका इलाज सही से नहीं होता था तो हम हॉस्पिटल में जाकर के उनका इलाज करवाया करते थे। अगर किसी के साथ में कहीं किसी का थाना पुलिस गाड़ी पकड़ लेती थी, उस परिस्थिति में भी हमने मदद किया और आज भी मदद कर रहे हैं। अगर किसी के साथ में कोर्ट कचहरी भी मामला आता था, वो भी आज काम कर रहे हैं। जहाँ तक हमसे होता है, एक दूसरे का मदद करते जा रहे हैं और हम खुलेआम चैलेंज करते हैं। अगर किसी पब्लिक को हमारे ऊपर शक है कि ये इस नौजवान लड़का यह क्या कर सकता है, तो हम खुलेआम चैलेंज करते हैं, अपने पूरे पंचायत के कैंडिडेट को भी बोलते हैं, आप हमसे पहले काम करवाइए तब आप हमको वोट दीजिए। अगर आप किसी के पास मजदूरी करेंगे तब आपको 300 रुपये मजदूरी का पैसा मिलेगा। इसीलिए हम साफ कहते हैं खुलेआम शब्द में, आप हमसे काम करवाइए, उसके बाद आपको आप हमको वोट दीजिए। इसी तरीके से जो भी कैंडिडेट आप आता आप उनसे भी पूछिए सवाल का जवाब, क्योंकि मुखिया हम नहीं है, मुखिया हमारे पब्लिक है। हम सिर्फ एक चेहरा बनकर के आपके सामने आए हुए हैं, बस आपके सामने आए हैं, आपको जो अच्छा लगे आप ऐसे कैंडिडेट को बनाइए जो पढ़े लिखे समाज के लायक हो, समाज को चलाने वाले लोग, ऐसे लोगों को आप चुनिए। जो कि मुखिया आपने मुखिया पूरे पब्लिक है, पब्लिक जो हमें कहेगी उस चीज़ को हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन अच्छे इंसान को बनाइए, समाज को चलाने वाले बनाइए, पढ़े लिखे शिक्षित लोग को बनाइए। जो कि आज यहाँ के लोग, युवा लोग, नौजवान पढ़े लिखे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, उन्हें कोई बतलाने वाला नहीं कि आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्या करना है आपको, कोई यहाँ पे बतलाने वाला नहीं। सिर्फ इस पंचायत में डकैती के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है, हर एक चीज़ के नाम पे, कभी नौकरी के नाम पे तो कभी कुछ से कुछ बोल करके यहाँ पे पब्लिक से पैसा ठगने का काम किया है। एक और चुनावी सवाल आपसे पूछेंगे, चूँकि आपने बताया कि आपने हर तबके के लोगों का मदद किया, समाज में हमेशा से आप बने रहे, क्या लगता है आपको ग्रामीण चुनाव की जो राजनीति होती है वो कहीं ना कहीं जाति, समुदाय, धर्म, इन सभी चीज़ों में फंस कर तक जाती है, या फिर घिनौनी राजनीति हो जाती है इन सभी चीज़ों में फंस कर? क्या लगता है आपको, आपके क्षेत्र की जनता विकासशील कैंडिडेट को देखकर वोट करेगी, या फिर कहीं ना कहीं ये जाति, समुदाय, जात पात, इन सभी चीज़ों की, या फिर शराब, मुर्गा, इन सभी चीज़ों का चलन चुनावी राजनीति में बहुत ऊँचे स्तर पर होता है, इन सब चीज़ों को नकारा नहीं जा सकता, हर एक पंचायत की यही हानि है। क्या लगता है आपको, आपके क्षेत्र की जनता, आपके क्षेत्र के मतदाता विकासशील कैंडिडेट को, युवा कैंडिडेट को, शिक्षित प्रत्याशी को देखकर वोट देगी, या फिर से उन्हीं सब चुनावी स्टंट में फंस कर अपने वोटों को बर्बाद करेगी? यहाँ की जनता हर चीज़ समझ गई है और हर चीज़ देख रही है कि कौन काम काज करने वाला है, कौन किस तरीके से है। यहाँ के लोग ऐसे भी हैं जो कि कुछ लोग ऐसे दलाल बन के रहते हैं जो उनके पीछे पड़े रहते हैं, वो अपना वोट बर्बाद करने के लिए। लेकिन इस बार उत्सुक की जनता ये चीज़ समझ रही है कि हम लोग एक ऐसे युवा लोगों को बनाएंगे जो समाज का काम करने वाला हो, क्योंकि यह बात हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ की जनता खुद बता रही है, और यहाँ की जनता से आप पूछिए, वो सवाल के जवाब वो बताएंगे कि कैसे लोगों को हम पंचायत का एक मुखिया चुनना चाहते हैं। और हम, मेरा भी अपील यही है जनता से कि जनता खुद अपना निर्णय और फैसला लेगी और वो खुद ये इसका समाधान जो है 17 तारीख को निकालेगी जनता। हम तो जनता के ऊपर फेंक दिए हैं, जनता इसका जो फैसला करेगी उस चीज़ को हम मानने के लिए तैयार हैं। ये 15 को चुनाव है, 17 या 18 को रिजल्ट आ जाएगी, उस समय पता चल जाएगा आखिर जनता का मूड क्या था, आपके समाज की जनता चाहती क्या थी। एक और सवाल, चूंकि आप भ्रष्टाचार पर काफी समय से जोर दिए हुए हैं, आपने बताया कि भ्रष्टाचार आपके क्षेत्र में चरम पर है, इन सभी चीज़ों को हटाना है, जनता को विकास के रास्ते पर ले जाना है, रोजगार देना है, क्या लगता है आपको कौन सी ऐसी योजना है सरकार की जिसका लाभ आपके क्षेत्र में जरा सा भी नहीं पहुंचा? ऐसी एकाध योजना जिसमें चरम पर भ्रष्टाचार है, ऐसी एकाध योजना जिसमें यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कागजों पर काम करते हैं, धरातल पर काम नहीं होता, ऐसी एकाध योजना के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं, अपने क्षेत्र की जनता को इन सभी चीज़ों से अवगत कराएं। उस तो पंचायत में गरीब लोगों का कुछ भी काम नहीं हुआ, यहाँ पे चेहरा देखकर काम किया जाता है, उन गरीब बच्चे मरते रहते हैं इस लॉकडाउन की परिस्थिति में, उन गरीब घरों में चूल्हा, किसी के यहाँ घर पे चूल्हा नहीं जल रहा था, उनके घर पे देखने वाला कोई नहीं। आज चुनाव का टाइम जब आया, उसके घर पे इंदिरा आवास के नाम से नौकरी के नाम का मुद्दा लेकर के पहुंच जाते हैं वोट लेने के लिए। हम कहते हैं उस परिस्थिति में आप कहाँ थे, जब एक गरीब जनता लॉकडाउन में भूख से मर रहे थे, तड़प रहे थे, उस वक्त आप कहाँ थे? आज जो है चुनाव का टाइम आया तो आप उसके पास पहुँच जाते हैं। और मेरा कहना यही है कि जो भी भ्रष्टाचारी हुआ इसको ख़त्म करेंगे और हम फ्री में इंदिरा आवास दिलाएंगे, और जहां तक होगा कोशिश हम फ्री में काम करेंगे, और जो भी आज
यहाँ की जनता को परखन जाके काम कराना पड़ता है, वो काम खुद इसी पंचायत में होगा और इस पंचायत के लोग को आज मायागढ़ हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जो कि यहाँ पे डॉक्टर भी दिया गया, लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि लोग इस चीज को नहीं चाहते हैं। लेकिन हम बनने के बाद मेरा यही रहेगा कि सबसे पहले यहाँ हॉस्पिटल बनेगा, रोड नाला अच्छा से विकास किया जाएगा, उसके बाद जो आज भ्रष्टाचारी के नाम पे जो पैसा खाया जा रहा इनको खत्म करेंगे, फ्री में काम होगा, जनता को परेशानी नहीं उठाने जाएंगे, और जो भी केस मुकदमा हो रहा है उसका हम लोग मसला हल इसी घर पे बैठ के इसी जगह पे करेंगे, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। अगर कोई गरीब आदमी परेशान है, हाल में है, उनकी परेशानियों का निदान खुद हम करेंगे, और हम एक गरीब की आवाज बन करके हम इस मैदान में आए हैं और गरीब का काम सब दिन हम करते रहेंगे। मैं आपने ये नहीं बताया कि कौन सी ऐसी योजना है जिस पर आपके क्षेत्र में चरम पर भ्रष्टाचार है, पैसा लूटा जा रहा है, गरीबों से लिया जा रहा है, राशन कार्ड बनवाने के नाम पे 200 रुपए, इंदिरा आवास के प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे 25,000 रुपए, 20,000 रुपए, ये हर पंचायत का खेल है, हर पंचायत में ये होता है, तो क्या आपके पंचायत में भी ऐसा कुछ है या फिर किसी अन्य योजनाओं के नाम पर भी चोरी पैसे? यहाँ पर जो है इंदिरा आवास के नाम पे 20,000, 25,000, 30,000 रुपए पैसा लूटा गया, राशन कार्ड के नाम पे 1,000 रुपए पैसा लूटा गया, वृद्धा जो कार्ड बनता वृद्धा का उसके नाम पर 1,000 रुपया पैसा लूटा गया, जब बाढ़ आया, बाढ़ घोषित हुआ उस टाइम भी यहाँ पे फॉर्म भरने का जो फॉर्म लिखा जाता है उसमें 1,500 रुपया यहाँ की जनता से पैसा ठगा गया है, जो कि जनता यहाँ की मूर्ख है, जानती नहीं है उस चीज़ को, उन वो पैसा बेचारे सूद पर इस तरीके से मतलब उनको डराया धमकाया गया, वो बेचारे सूद पर ला करके उनको पैसा दिया गया। उसके बाद यहाँ पर मृत्यु किसी का हो जाता है वो पैसा पब्लिक को लाभ नहीं मिलता है, वो अपने पास रख लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं। जो ऐसी परिस्थिति है, कभी अंत्येष्टि योजना का लाभ नहीं मिलता, ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलता, वैसी कुछ भी ऐसा कुछ भी सरकारी योजना जिसका लाभ ग्रामीणों को मुफ्त में मिलना चाहिए, फ्री में मिलना चाहिए, उन सभी योजना के नाम पर यहाँ के जनप्रतिनिधि पैसे ठगते हैं, 500 रुपए या फिर 1,000 रुपए कुछ भी गरीबों से लेना, यह कहीं ना कहीं सही नहीं है। अब जब ऐसी स्थिति है क्षेत्र में कि यहाँ की जनप्रतिनिधि विकास कार्य तो छोड़ो अन्य गरीबों से भी पैसे हटने का काम करते हैं, बिचौलियों के माध्यम से यहाँ पर घुसखोरी चलती है, भ्रष्टाचार होता है, अब ऐसी स्थिति में यहाँ की जनता क्या चाहती है, इन सभी चीज़ों पर से पर्दा हटेगा 17 तारीख को, क्योंकि जनता के मन में क्या है, वो किनको वोट करती है, ये सभी चीज़ उनके हाथों में। हमारे साथ थे यहाँ के युवा प्रत्याशी, इनसे हमने बात की, अब इनके समर्थकों से भी हम बात करेंगे, इनके समर्थकों से जानेंगे कि आखिर अपने क्षेत्र में वो किस तरीके का बदलाव चाहते हैं, कौन कौन से विकास कार्य उनके क्षेत्र में अत्यंत जरूरी हैं, क्योंकि समर्थकों से बात कर हमें पता चलेगा कि ऐसा प्रत्याशी हमारे क्षेत्र में होना क्यों जरूरी है। उस्तू पंचायत में मुख्य उम्मीदवार मोहम्मद अफ़फ़ान से बात की हमने, उन्होंने अपने सारे सुझाव चुनाव स्टंट इन सभी चीज़ों पर प्रकाश डाला, जनता से किन मुद्दों पर वो वोट मांग रहे हैं इन सभी चीज़ों को बताया। हमारे साथ उनके कुछ समर्थक हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर उनमें ऐसा क्या है, किस तरीके से ये लोग उन पर यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं और अपना मत उन्हें देने को राजी हैं, और क्या चाहते हैं इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र की जनता क्या चाहती है, कैसा बदलाव चाहती है, कैसा विकास चाहती है, ये सभी चीज़ें ये खुद हमें बताएंगे, इन सभी चीज़ों पर हम खुद इनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे। क्या नाम हो भैया आपका? मेरा नाम अजय दास है। क्या मतलब इस बार क्या बदलाव चाहते हैं आपका जो उम्मीदवार है, युवा है, शिक्षित है, आप लोग किस तरीके का उम्मीदवार खोज रहे हैं अपने क्षेत्र में? जिस तरीके से हम लोग उम्मीदवार को खोज रहे हैं सर, बहुत अच्छे हैं और लगभग मेरे के काफ़ी अच्छे ही हो और मदद भी करते हैं और मेरा भी मदद किया है, जो आज भैया हम भी यहाँ पर ऐसे मार के हैं फिर भी यहाँ पर हम पहुँचे हैं, भैया मेरा बहुत मदद किया। अच्छा, मदद करते हैं समाज में सबसे जुड़े रहते हैं, सबका तकलीफ में ध्यान देते हैं, आखिर इन सब चीज़ों के अलावा और क्या है जो आप इनको समर्थन दे रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये क्षेत्र में विकास करेंगे, घुसखोरी समाप्त होगा, भ्रष्टाचार समाप्त होगा? मेरा नाम हुआ मोहम्मद फैयाज। ये जो है अफ़फ़ान जी, हर एक काम को ऐसे हैं क्या, हर एक काम को कर सकते हैं, यहाँ पर प्रत्याशी तो 8-9 हैं पर इसमें कोई में ऐसा गुण नहीं है जो कि कर देंगे, जो पैसा तो उनके पास हर किसी के पास है पर इनके पास थोड़ा पैसा कम है, पर काम इनका जो है जिला लेवल में जो जिला परिषद है वो भी नहीं कर सकते जो ये काम करते, इसी लोग से युवा के लिए यही मुखिया हम लोग को चाहिए और कोई मुखिया नहीं चाहिए। गांव में हमारे बहुत दूर खटोस सात पिक्चर में कोई ऐसा काम नहीं है, हर गली में कादो पिक्चर हर जगह ही होता है, और कहीं हमारे गांव में घूमिए या मीरन चक घूमिए, डी सरामपुर छकदरिया घूमिए, कहीं भी ऐसा नहीं है क्या कादो कीचड़ नहीं मिलेगा। मुखिया ऐसा बनाने से क्या फ़ायदा, 15 साल पहले बनाए तो वो भी लूट लिए, 5 साल इसमें भी बनाए तो ये भी लूट लिया, अब पूरा गांव को एकदम पूरा खोखला कर चुका है। देखते हैं अब जनता
पूरा समर्थन है अफगान भाई के साथ। क्या आप दूर बैठे हुए पूरा जी, बताइए क्या सच्चाई है ये बात में? पूरा 5 साल में कोई काम नहीं हुआ आपके क्षेत्र में? नहीं, मेरा नाम मोहम्मद हसन, यहाँ घुसखोरी बहुत ज्यादा। अच्छा, घुसखोरी इतना है कि एक आदमी से 25,000 अपनी चेबल जो काम है वो पड़ा हुआ है, पैसा नहीं कर। गरीब आदमी से पैसा देता जिसको छत ने उससे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। अच्छा, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि नया चेहरा देखना चाहते। अच्छा, तो नया चेहरा पे यकीन है आपको? लग रहा है कि पुराना वाले की तरह ठग लिया जाएगा? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जो दिलाए मुखिया जी इंदिरा आवास भी, उस पर जो नहीं पैसा देने चाहा तो उनको डरा धमका के पैसा लिया गया, नहीं दोगे तो जेल भेज देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पैसा दो। इतना से सबसे ही लिया है 25,000 20,000, उसके बाद भी आदमी को लेके घूम रहा, फोटो खिंचवा रहा, हर फोटो खिंचवा रहा, 3 किस्त में तो 5,000 उसमें भी ले रहा है, हर कुछ में। यानी घुसखोरी, कोई भी दस्तखत करवाइएगा तो उसमें 500 दीजिएगा तभी आपका दस्तखत होगा, ऐसे दस्तखत नहीं होगा। मतलब हर प्रकार से चारों तरफ से यदि देखा जाए तो पंचायत में भ्रष्टाचार चरम पर। इस प्रकार से यदि गरीब जनता से घुसखोरी होगी तो आप समझ सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र से विकास कोषों दूर है। और इन सभी चीजों पर यदि आप नजर डालें, इन सभी चीजों पर यदि आप ध्यान दें तो आपको इन सब एक युवा प्रतिनिधि की, एक युवा जनप्रतिनिधि की कमी खलेगी, जो शिक्षित हों, जो समाज में विकास चाहते हों, ऐसे प्रतिनिधि, ऐसे उम्मीदवार की कमी खलेगी। क्योंकि जो भी मुखिया की सीट पर बैठते हैं वो मुखिया के कुर्सी की जिम्मेदारी नहीं समझते, वो अपनी जिम्मेदारी उन कुर्सी पर डाल देते हैं। और जब अपनी जिम्मेदारी आप कुर्सी पर डालते हैं उसका इस्तेमाल आप सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए करते हैं। ऐसे में यदि कोई युवा प्रत्याशी आपके चेहरे का आपके पंचायत का चेहरा बनता है, आपका प्रतिनिधि बनता है, तो कहीं ना कहीं वो जरूर अपने क्षेत्र में विकास चाहेगा। लगातार चुनाव की सारी दौड़, सारी राजनीतिक स्टंट, इन सभी चीज़ों का ब्यौरा हम आपको सिल टीवी पर दिखाते रहेंगे। हर प्रत्याशी की क्या उम्मीद है, क्या मुद्दे हैं चुनाव लड़ने के, ये सभी चीज़ें आपको सिल टीवी पर लगातार देखने को मिलेगी। यदि ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यदि ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय। We'll be right back.